राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांगलकोजू में समाज सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रांगण में सबसे पहले बच्चों के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया, जो आप सुन सकते हैं। गुरु ग्रंथ जी के बखाने में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है। प्रार्थना होने के बाद इस शिविर के बारे में बच्चों को सामान्य जानकारी दी गई और दो दलों का गठन किया गया। एक दल का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और दूसरे दल का नाम कल्पना चावला रखा गया। एक दल ने सर्वसम्मति से विद्यालय प्रांगण में लग रहे पेड़ पौधों की साफ सफाई और उनसे खरपतवार निकालने का दायित्व लिया और दूसरे दल ने प्रधानाचार्य, पुस्तकालय और कार्यालय की सफाई की जिम्मेदारी ली। आप देख सकते हैं ये बच्चे पूर्णतः लगन से और पूर्णतः सहयोग से, आपस में सहयोग भाव से पौधों में पानी डाल रहे हैं और खरपतवार को निकाल रहे हैं और बहुत अच्छा इस विद्यालय में कार्य किया। आप देख सकते हैं ये विद्यालय का प्रांगण बहुत लंबा चौड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि ये विद्यालय किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। यहाँ विद्यालय में बच्चों के लिए खेलने के लिए उचित खेल मैदान है। हर कक्षा के बाहर बरामदा है, बरामदा के बाहर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इन पेड़ पौधों की सफाई की जिम्मेदारी लक्ष्मीबाई दल ने उठाई और बहुत कर्तव्य निष्ठा के साथ विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई की। दूसरा दल कल्पना चावला जो कार्यालय की सफाई कर रहा है, इसमें जो छात्राएं हैं वो दिव्या योगी और निशु यादव और उसके सहयोगी बराबर सहयोग से कार्य कर रहे हैं। ये एक आपको वीडियो दिखाया जा रहा है पुस्तकालय का, जिसमें भारती, पूजा यादव, प्रियंका, ज्योति अपने दल के साथ साफ सफाई करते हुए हैं। बहुत अच्छा सुसज्जित पुस्तकालय की सफाई की इन्होंने। अब दिव्या योगी अपने को लेकर चल रही है प्रधानाचार्य कक्ष में, जहां पे इन्होंने सभी बच्चों ने मिलकर बहुत अच्छी सफाई की है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में सभी टेबलों को पानी का छींटा मार के साफ किया गया, सभी खिड़कियों में लगे हुए शीशों को साफ किया गया, कंप्यूटरों की साफ़ सफाई की गई। बहुत अच्छा सुसज्जित प्रधानाचार्य कक्ष, देखते ही वास्तव में मन मोह लेने वाला दृश्य इस प्रधानाचार्य कक्ष का। और बच्चों का अपूर्व सहयोग, पूर्णतः मन से यहाँ पे बच्चों ने प्रयास किया। कुछ छायाचित्र आपको सभी बच्चों के छायाचित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी मेहनत से यहाँ पे साफ सफाई करते हुए साक्षी और टीना चौहान, साथ में प्रियंका, रिंकू, निशु यादव, सभी ने तन मन धन से बहनों की तरह कंधा से कंधा मिलाकर साफ सफाई की और बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में हीरालाल जी, माली जी,
और प्रभारी शिक्षक राजेंद्र कुमावत ने बच्चों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे इस कार्य में भाग लेकर, और बहुत अच्छा उन बच्चों को लगा आज के इस कैंप के आयोजन में आने के बाद में। अब आपको कुछ यहाँ पे फोटोग्राफी दिखाई देगी बच्चों की, जो आप देख सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे। अब आपको लास्ट में लाइब्रेरी का सफाई करने के बाद में नज़ारा दिखाया जा रहा है। ये नज़ारा किसी काबिल तारीफ से कम नहीं है।